नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। आज 22 दिसंबर 2020 बिहार में कोल्ड की रेड अलर्ट। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज का दिन सबसे ठंडा होने वाला है। न्यूनतम तापमान बिहार में सबसे नीचे जाएगा। मेरे हाथ में है आज की प्रमुख अखबारें जो पटना से निकलती है। हम आज बात करेंगे अखबारों ने क्या छापा है, क्या छिपाया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। पहले हम अखबारों की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नए कोरोना से डरी दुनिया, ब्रिटेन से रोकी गई फ्लाइट। शिक्षक बहाली काउंसलिंग से पहले मेघा सूची सार्वजनिक करने का आदेश। बिहार में 3 न्यायाधीशों को बर्खास्त किया गया है, महिलाओं के साथ रंगरेलियां करते पकड़े गए थे। राजद में किसी की मनमानी नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव का फरमान जारी हुआ है। और तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी किया है कि एक साल के अंदर फिर से होगा विधानसभा चुनाव। अमेरिका ने दिया पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान, एक खास सम्मान, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से ट्रंप करेंगे सम्मानित। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब हम नज़र डालते हैं कि अखबारों ने कैसे खबर को बनाया है। तो दोस्तों, ठंड की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, आप भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि आज जिस तरह की भविष्यवाणी थी कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, लेकिन धूप खिली हुई है, इससे कुछ राहत है लोगों को। लेकिन गया, डेहरी, दरभंगा, पटना का जो तापमान है वो न्यूनतम स्तर पर जा चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, खैर बिहार में तो डराने वाली उतनी नहीं है, लेकिन कोरोना से पूरा देश आज पीड़ित है। ब्रिटेन में जिस तरह से कोरोना के जो वायरस हैं म्यूटेंट करके और शक्तिशाली हो गए हैं, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। और ब्रिटेन से जितनी फ्लाइटें आने वाली थी, वहां जाने वाली और आने वाली दोनों फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। अगर हम बात करें शिक्षक बहाली का, जो शिक्षकों का शिक्षक नियोजन का, तो उसे काउंसलिंग से पहले मेघा सूची सार्वजनिक करने का आदेश। शिक्षक बहाली में ऐसा होता है कि मेघा सूची में गड़बड़ी हो जाती है। जब काउंसलिंग की बात आती है तो पीछे वाले को जैसे हो आगे कर दिया जाता है, आगे वाले को पीछे किया जाता है। इसे पारदर्शिता बरतने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि काउंसलिंग से पहले आप जो है मेघा सूची को सार्वजनिक कर दें। शिक्षक नियोजन में मेधा सूची को सार्वजनिक कर देने से पारदर्शिता बनी रहेगी, यह एक अच्छी कदम कही जा सकती है सरकार की। देखिए इम्प्लीमेंट किस तरह के तरीके से होता है। बिहार से एक और बड़ी खबर है, जो बिहार में आप जानते हैं कि बैंकों की कितनी मनमानी चलती है। बैंक जो है से जरूरतमंदों को लोन नहीं दे पाते हैं। हालांकि सरकार बार बार आग्रह करती है, बार बार इस तरह का जो घोषणा करती है, जो सरकारी कार्यक्रम है, लोक कल्याण की कार्यक्रम है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है बैंकों की अनदेखी के कारण। तो बैंकों के लोन पर निगरानी के लिए बनेगी समिति। बैंक का भी एक आरोप है कि हम लोन देते हैं लेकिन उतना बिहार में रिकवरी रेट नहीं है, इसके चलते वो बैंक जो है लोन देने से हाथ खींच लेती है। SLBC की बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन पर डिप्टी CM ने दिया जोर। जो डिप्टी CM है तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि हम इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और बिहार के बैंक अब जो लोन देंगे। और एक खबर जो काफ़ी चर्चा में है, बिहार के 3 जजों के 7 साल पुराना केस है। ये तीनों माननीय नेपाल में महिलाओं के साथ पकड़े गए थे, इन पर आरोप लगा था, तो आज उनको बर्खास्त करने का आदेश आ गया है। ये तीनों जज बर्खास्त हो जाएंगे। ये खबरों का जो अखबारों में जो खबर छप रही है, अभी किसान की खबरों किसान का जो आंदोलन चल रहा है, उन खबरों को उतना अभी स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन जो बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, वो अभी पीछे आंदोलन पीछे लेने के मूड में नहीं है।
कोई न कोई नतीजा तक पहुंचाने का उनका इरादा है, और किसान डटे हुए हैं। और किसान इस समय पूरा जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका जो है, से एक पूरा टेंट हाउस का गांव में तब्दील हो गया है। अभी मैट्रिक के परीक्षा और इंटर की परीक्षा का भी तिथि की घोषणा हो चुकी, होने वाली है, और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार उसको कैसे पंचायत चुनाव कराया जाए इसके क्रियान्वयन के लिए बैठक चल रही है। तो दोस्तों, आज थी ये आज की ये प्रमुख खबरें। इसी तरह हमसे आप जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब हमसे विदा लेते हैं। जय हिंद।